हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आया आज मजरे में, किसी और के मजरे में, जो कि ऐसे बकरी लेके आया और घूमते चला आया इधर, और आप लोग को दिखाते हैं। जो कि छोटा खजूर लगा है, खजूर में क्या क्या लगा है, और आप लोग को कुछ दिखाएंगे, कुछ बताएंगे। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहें, वीडियो फुल देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन वाली घंटी भी दबा दिया करें। दोस्तों ऐसे सपोर्ट करते रहें आप लोग। और आइए आप लोग को दिखाते हैं सुपर नेपियर, जो कि अमेरिकन घास है। और वही मैं देखा तो मैं सोचा कि वीडियो एक बनाएं, उस पर आप लोग के बीच लाएं और दिखाएं, जो कि बकरी ऊँट के लिए बहुत फायदे वाला है। और साल का बरहमास अगर पानी चलते रहे तो सूखने वाला नहीं है और बढ़ते ही रहता है। तो आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो दोस्तों यह देख सकते हैं, यही है सुपर नेपियर, जो कि सऊदी अरब में है। और आप लोग को मालूम होगा सऊदी अरब में बस बालू और पत्थर दो ही चीज़ है, मिट्टी नहीं है। जो कि बालू में ये सब लगा है और इसमें पानी चलते रहता है। पानी भी जानते ही होंगे आप लोग कि सऊदी का पानी खारा पानी रहता है, नमक वाला, लेकिन फिर भी सही है। जो कि मजरे में लग गया है और इधर ये सब काम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे काम होता है, ये देखें, इतना इतना एक में से इतना कंछी निकला है, जो कि एक जुट्टा। ऐसे ये बकरियों के लिए और ऊँट के लिए बहुत फायदे वाला चीज़ है और बहुत फायदा करता है। तो खैर बकरियों के लिए ही बोया गया है और इसमें बरसिंग भी लगाया गया है, जो कि एक बार बरसिंग जम जाए तो तीन साल, कम से कम तीन साल तक काटते रहो, पानी चलाते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल तक चलता है, लोग बोलते हैं। ऐसे हमारे पास भी कभी लगा था तो दो साल तक तो मैं भी काटा था, उसके बाद खलास हो गया था। तो दोस्तों बस यही है मजरे में, ये देख सकते हैं छोटा खजूर है, जो कि करीब 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 300 के करीब में ये सब खजूर है। और ज़्यादा दूर तक है, मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है इधर धूप ज़्यादा है, तो धूप की वजह से वीडियो अच्छा नहीं आता है। तो इसके लिए बैठ गया हूँ थोड़ा छोटा पेड़ के पास छांव में, बैठ के बना रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसमें चलेंगे तो वीडियो बनाएंगे उसका भी। और आप देख सकते हैं इधर एक प्याज लगा हुआ है, जो कि खाने के लिए, यहाँ जो काम करते हैं खाने के लिए, वो लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और हम भी ले कर चलेंगे इसी में से उखाड़ के। तो खैर आप लोग को दिखाते हैं। और भी लगाने के लिए घास पानी वानी चला रहे हैं हमारे भाई साहब लोग, और आप देख सकते हैं इधर। आइए दिखाते हैं खजूर प्याज आप लोग को, सऊदी का प्याज, जो कि आप देख सकते हैं इधर। देखें ये प्याज है भैया, एकदम हरा हरा, गर्मी में इतने तगड़े धूप में ऐसा प्याज, ये देखें। तो दोस्तों यह देखें, यही प्याज है। और भी सब्जी वब्जी लगाए थे भाई लोग, लेकिन अभी तो नहीं है, फिलहाल में प्याज है सिर्फ। तो बस यही सब काम वाम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। वीडियो उसके पास ले जाने के लिए मना किया है, इसके लिए नहीं ले जा रहे हैं उससे बात, क्योंकि भाई ऐसा काम है ना, कोई इस पर आता नहीं है सामने, तो इसके लिए वो लोग का वीडियो नहीं बना रहे हैं। और हिंदी जो है उनका तो बनाएंगे ही, बशर्ते दूसरे देश वाले जो हैं वो लोग का नहीं बनाते हैं। जो बोले बनाने के लिए बनाते भी हैं। और ये सब देखें, ये पानी चल रहा है इसमें, यही लगाने के लिए घास, इसमें से खन खन के थोड़ा थोड़ा लगाएंगे लोग, और ऐसे काम वम होते रहेगा, करते रहेंगे। तो जब तक के लिए हमें भी इजाज़त दें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना कम से कम, और सपोर्ट करें फुल सपोर्ट। जो कि घास तो इतना है इसमें कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यह सब दूब वाली घास है,
बकरियों को खिलाएं थे कम से कम एक साल तक, तो ऐसे घास